So let us continue with the examples based on average speed and average velocity. In the previous lecture we have discussed what is average velocity and the main difference between speed and velocity. So उसी concept के base पे average speed and average velocity कैसे calculate करेंगे. For example हमें इस first question के अंदर given है a body travels from A to B at 40 meter per second and from B to A at 60 meter per second, then calculate average speed and average velocity. अब mechanics के कोई भी numericals को आप जब भी solve करोगे आपको सारी conditions यहाँ पे assume करनी होगी. Assume in the sense कि आपको सारी confirm मतलब जितनी भी information आपको question के अंदर दी होगी उस सारी information को आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना होगा. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे और कैसे मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करना है. तो सबसे पहली चीज अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी ये चैप्टर के अंदर हमें नॉर्मली वन डायरेक्शन के अंदर सारे मोशंस दिए होंगे. सो हम इस चैप्टर के लिए इस मैकेनिक्स के चैप्टर के लिए हम नॉर्मली डायग्राम वन डायरेक्शन के अंदर ही बनाएंगे. सो ए टू बी के लिए हमें स्पीड गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड एंड फ्रॉम बी टू ए स्पीड गिवन है 60 मीटर पर सेकेंड. उस कंडीशन के लिए हमें एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है. तो इसके लिए हमारी बेसिक डायग्राम सपोज ये पॉइंट ए पॉइंट बी ए टू बी जब हमने ए टू बी मोशन किया तब हमारी स्पीड थी 40 मीटर पर सेकेंड और जब हमने B to A मूव किया तब हमारी स्पीड थी 60 मीटर पर सेकेंड. अब दोनों बात के लिए हमारे पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होगी. तो सबसे पहले चीज पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा. तो पार्टिकल पहले पहुंचा A to B देन B to A तो टोटल डिस्टेंस हमें मिलेगा 2 times AB. ये पहली इंफॉर्मेशन मिली हमें इस डायग्राम से. सेकेंड चीज टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा बिकॉज ए से मोशन स्टार्ट किया और फाइनली पार्टिकल ए पे पहुंचा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. यहां पे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0. तो यहां से हमें ये चीज एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्टली इंफॉर्मेशन मिलेगा कि एवरेज वेलोसिटी इस पाथ के लिए 0 होगी. So, इसीलिए मैकेनिक्स में डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा. डायग्राम से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को किस तरह किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेट कर सकते हैं. जैसे हमें सिंपली ए टू बी पाथ गिवन है. ए टू बी के लिए स्पीड होगी 40 मीटर पर सेकेंड बी टू ए के लिए 60 मीटर पर सेकेंड. ये सिंपल पाथ के लिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है. तो पार्टिकल का टोटल डिस्टेंस हमें डायरेक्टली मिला 2 AB. पार्टिकल ने ए से मोशन स्टार्ट किया और वापिस ए पॉइंट पे ही हमने वापस उसको कंप्लीट किया अपना मोशन तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा हमें 0. तो इस दोनों इंफॉर्मेशन से हमें इतनी चीज कंफर्म हो जाएगी कि हमें इस कंडीशन के लिए एवरेज स्पीड मिलेगी और एवरेज वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी. अब सेकेंड इंफॉर्मेशन सपोज ए टू बी पाथ कंप्लीट किया टी वन टाइम के अंदर बिकॉज यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होगी और बी टू ए सपोज टाइम टी टू लिया. सो टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू. ये टोटल टाइम होगा. अब डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम के लिए रिलेशन क्या होगा. सो यहां पे हमें स्पीड गिवन है डिस्टेंस टाइम वी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगी. सो टी वन के लिए डिस्टेंस कितना होगा ए बी. ए टू बी के लिए स्पीड गिवन है 40 प्लस टी टू डिस्टेंस होगा बी टू ए स्पीड होगी 60. सो यहां से हमें ए बी कॉमन 1/40 प्लस 1/60 ये होगा हमारा टोटल टाइम. अब हमें डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है. फर्स्ट वन एवरेज स्पीड विच इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन
टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कितना होगा ए टू बी, देन बी टू ए, टोटल डिस्टेंस हमने ऑलरेडी यहां पे लिखा है टू ए बी अपॉन टाइम टेकन ए बी इंटू ब्रैकेट 1/40 प्लस 1/60, तो ए बी ए बी कैंसिल और फाइनली कैलकुलेशन के बाद 48 मीटर पर सेकेंड, ये हमें मिलेगा एवरेज स्पीड। और सेकेंड पार्ट एवरेज वेलोसिटी विच इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विच इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। सो दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स आप इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, जो भी कंडीशन जो भी इंफॉर्मेशन आपको किसी भी पाथ के लिए गिवन होगी, इस पाथ को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसी पार्ट से जितनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। इसके बाद हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट होगा एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के लिए। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन वी विल डिस्कस सेकंड वन विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट सेकंड वन। सो नाउ एग्जाम्पल नंबर टू, अ बॉडी ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन traversed one half of the distance with velocity v naught. The remaining part of the distance was covered with velocity v1 for half the time and with velocity v2 for the other half the time. अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें पहले तो स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन गिवन है, इसी स्ट्रेट लाइन के जो पाथ के अंदर हमें स्पेशली डिफाइन किया है 3 अलग अलग वेलोसिटी को। सबसे पहले हाफ डिस्टेंस वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी वी नॉट, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वॉज कवर्ड विथ वेलोसिटी वी वन फॉर हाफ द टाइम, मतलब उसके बाद का जो हाफ डिस्टेंस बचेगा उसमें हाफ टाइम में वी वन वेलोसिटी से वो डिस्टेंस कवर किया विथ वेलोसिटी वी टू फॉर द अदर हाफ ऑफ द टाइम, देन वी हैव टू फाइंड मेन वेलोसिटी। अब इस क्वेश्चन को पहले हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब हमें डायग्राम से इस पूरी सिचुएशन को यहां पर रिप्रेजेंट करना है। सपोज हमने ये पूरा पार्ट मान लिया ए टू बी, अब हमें अ बॉडी ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ट्रैवल्स वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस, मतलब ये टोटल डिस्टेंस का हाफ। सपोज हमने मान लिया ये डिस्टेंस x, तो इसका हाफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये x by 2, ये डिस्टेंस x by 2, वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v नॉट, इतना हाफ डिस्टेंस कवर किया वेलोसिटी v नॉट से, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वॉज कवर्ड विथ वेलोसिटी v1 फॉर हाफ द टाइम। अब कितना डिस्टेंस कवर किया ये हमें नहीं पता, बट टोटल डिस्टेंस बाकी कितना बचेगा x by 2, इस डिस्टेंस के सपोज हमने दो ऐसे पार्ट ले लिए फॉर एग्जांपल कि इतना डिस्टेंस t1 टाइम में v1 वेलोसिटी में कवर किया, बाकी का डिस्टेंस t2, मतलब बाकी का टाइम t2 और वेलोसिटी v2 के साथ डिस्टेंस उसने कवर किया, मतलब जो टोटल डिस्टेंस होगा उसका हाफ डिस्टेंस यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी नॉट से कवर किया x by 2 डिस्टेंस, बाकी का जो हाफ डिस्टेंस होगा उसने दो अलग अलग वेलोसिटी से डिस्टेंस कवर किया, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा जो बाकी का हाफ बचेगा वो, बट उसी डिस्टेंस के थोड़े पार्ट में उसकी वेलोसिटी थी वी वन और बाकी के पार्ट में वेलोसिटी थी वी टू, मतलब ये टोटल डिस्टेंस जो x by 2 है उसने दो अलग अलग वेलोसिटी से अलग अलग टाइम के अंदर ट्रेवल किया। अब जो टाइम जो दिया है हमें डिस्टेंस वॉज कवर्ड विथ वेलोसिटी वी वन फॉर हाफ द टाइम, हाफ टाइम के लिए, मतलब अगर हमने ये मान लिया कि इसमें टाइम टी वन है तो ये टाइम होगा टोटल टाइम, ये कितना हो जाएगा टी टू,
टी टू टाइम के अंदर ये पूरा डिस्टेंस कवर किया होगा एक्स बाई टू जितना, बाकी का हाफ डिस्टेंस, बट उस टी टू टाइम में भी फोर हाफ द टाइम, मतलब सपोज इतना डिस्टेंस कवर किया टी टू बाई टू टाइम के लिए और यहां पे टी टू बाई टू टाइम के लिए, मतलब यहां से यहां तक का टोटल टाइम कितना होगा टी टू और यहां से यहां तक का टाइम कितना हो जाएगा टी वन। सो इतनी चीज हमें इस पूरी इंफॉर्मेशन से मिलेगी कि अगेन इसको हम एक बार एक्सप्लेन करेंगे कि फर्स्ट आपको टोटल डिस्टेंस गिवन है एक्स, इसमें से हाफ डिस्टेंस x बाई टू कवर किया v नॉट वेलोसिटी से, टाइम लिया सपोज t1, हमने मान लिया t1 टाइम, ये टाइम t1, बाकी का हाफ डिस्टेंस t2 टाइम में कवर किया, कितना डिस्टेंस बाकी होगा x बाई टू बिकॉज टोटल डिस्टेंस x है। अब ये x by 2 जो डिस्टेंस है उसने वो डिस्टेंस दो अलग अलग वेलोसिटी से ट्रेवल किया, फर्स्ट पार्ट में वेलोसिटी थी v1, सेकेंड पार्ट में वेलोसिटी थी v2, बट टाइम इक्वल ही टाइम के अंदर, मतलब इक्वल टाइम के अंदर ही ये दोनों पार्ट कवर किए होंगे बिकॉज यहां पे हमने क्या स्पेसिफाई किया फोर हाफ ऑफ द टाइम विथ वेलोसिटी v2 फॉर द अदर हाफ, मतलब ये टोटल टाइम जो t2 था उसका हाफ टाइम t2 by 2 v1 वेलोसिटी से ट्रैवल किया, बाकी का हाफ टाइम t2 by 2 v2 वेलोसिटी से ट्रैवल किया। इतनी इंफॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। अब टोटल टाइम कितना होगा t1 plus t2 और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो हमारे पास बॉडी ट्रैवलिंग अलोंग स्ट्रेट लाइन है, मतलब a टू b तक पहुंची होगी, तो टोटल डिस्टेंस कितना हमें गिवन है x। सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ये अगर दोनों चीज हमारे पास होगी तब हम मीन वेलोसिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मीन वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, इतनी दोनों इंफॉर्मेशन से हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में टाइम के लिए कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, सो सबसे पहले हम फर्स्ट हाफ डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, फॉर फर्स्ट हाफ पार्ट। अब पहले हाफ पार्ट के लिए डिस्टेंस कितना होगा x बाई टू, स्पीड कितनी है v नॉट और टाइम कितना लिया है हमने t1, सो टाइम t1 which is equal to time is equal to distance कितना कवर किया x by 2, उस duration में velocity थी v0, so ये part होगा हमारा x by 2 v0। ये हमारा first part। Now फॉर सेकेंड हाफ पार्ट, सेकेंड हाफ पार्ट के लिए अब कितना डिस्टेंस हमारे पास बचा x by 2, बट उस डिस्टेंस को हमने दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, सो x by 2 ये टोटल हमारा डिस्टेंस बाकी बचेगा, उसमें स्पीड हमारे पास v1 है बट कितने टाइम के लिए t1 by सॉरी t2 by 2 टाइम के लिए, इतना डिस्टेंस इस वेलोसिटी से ट्रैवल किया और दूसरी वेलोसिटी थी v2 t2 by 2 बिकॉज हमें यहां पे स्पेसिफिकेशन है हाफ द टाइम v1 वेलोसिटी अदर हाफ द टाइम v2 वेलोसिटी, सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम मतलब टोटल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहां से हमें x by 2 मिलेगा, t2 by 2 common, v1 plus v2। So यहां से हमें ये फाइनल
टोटल डिस्टेंस मिलेगा x बाई टू। सो टाइम कितना लिया होगा टी टू, ये हमें अगर कैलकुलेट करना होगा तो टी टू बाई टू प्लस टी टू बाई टू मतलब हमारे पास टोटल टाइम कितना होगा बाकी के हाफ ड्यूरेशन के लिए टी टू। सो इसी से अगर हमने टाइम कैलकुलेट किया तो टी टू इज इक्वल टू बचेगा x अपॉन बी वन प्लस बी टू, ये हमें फर्स्ट टाइम मिला t1, ये बाकी का टाइम मिला t2। सो अब हम फाइनल कैलकुलेशन करेंगे, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा x अपॉन टाइम t1 प्लस t2 विच इज इक्वल टू x अपॉन t1 इज इक्वल टू x बाय 2v0 प्लस t2 इज इक्वल टू x अपॉन v1 प्लस v2। सो फाइनली यहां से x और यहां से हमने x को कॉमन निकाला तो ये बचेगा v1 प्लस v2 प्लस 2v0 होल अपॉन 2v0 इंटू v1 प्लस v2 आफ्टर LCM। सो ये x के x कट हो जाएगा और बाकी जो पार्ट बचेगा ये होगा हमारा फाइनल आंसर। v इज इक्वल टू ये वाला पार्ट ऊपर 2v0 v1 प्लस v2 होल डिवाइड बाय v1 प्लस v2 प्लस 2v0, ये हमारा फाइनल आंसर। सो आपको इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले इस डायग्राम को इस सारी इंफॉर्मेशन से मैच करना है, मतलब सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी गई होगी, आपको इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पूरा डायग्राम फॉर्म करना है। अब इस डायग्राम के अंदर आपको टोटल डिस्टेंस x गिवन है, इसी डिस्टेंस का हाफ पार्ट हमें गिवन है x बाई टू, बाकी का हाफ पार्ट गिवन होगा x बाई टू, हमने इनिशियल स्पीड यहाँ पे ली इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, बाकी का हाफ डिस्टेंस दो अलग अलग पार्ट में हमने कवर किया। सो v1 वेलोसिटी के लिए टोटल टाइम बाय 2, v2 वेलोसिटी के लिए टोटल टाइम बाय 2, ये सारी चीज हमें स्पेसिफाई की गई है। अब इसके बाद हम करेंगे फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट हाफ पार्ट के लिए t1 टाइम कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद सेकेंड हाफ पार्ट के लिए हम t2 टाइम। सो फाइनली हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट x अपॉन टाइम टेकन t1 प्लस t2, सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनल आंसर मिलेगा 2v0 इंटू v1 प्लस v2 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस 2v0।